हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को। विशिंग यू ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में लेके चलता हूँ अपने अजीज़ मित्र और सहयोगी विनय दुबे के, और साथ में हैं निशांत वर्मा सर जी। दोनों की जुगलबंदी देखिए और एंजॉय करिए। एज यूजुअल देखिए, विनय की वीडियो है तो लैंग्वेज ऊपर नीचे होगी, तो पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ, बच्चे इस वीडियो को ना देखें, महिलाएँ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि लैंग्वेज ज़रूर ऊपर नीचे होगी। और इसी के साथ बिना समय नष्ट किए ओवर टू विनय दुबे एंड निशांत वर्मा सर फ्रॉम मुंबई। इन दोनों की साथ की ये जुगलबंदी है जिसमें मोहन भागवत जी का जो हाल ही में उनकी एक स्पीच में उन्होंने कुछ कहा है, एक टिप्पणी करी है कि पाकिस्तान और इंडियन हिंदू वगैरह वगैरह पे, उस पर ये दोनों अपनी राय रख रहे हैं। मोहन भागवत ने तो अब ये कह दिया है कि मुसलमान को पाकिस्तान जाने की बात बोलने वाला हिंदू नहीं हो सकता। ये क्या तरकीब लगाई है? पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, सर फोड़ा है, क्या किया क्या है इनने? क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो तो यही है कि मुसलमान को भारत से भगाओ। इस बात पे आज एक खास व्यक्ति से आप लोगों को मिलवाता हूं। हाँ, वही आपके प्रिय विनय दुबे। विनय दुबे जी, ये मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मोहन भागवत को क्या होगा? मुसलमान काहे पाकिस्तान जाएगा सर, ये हिंदुस्तान उसका ही है जितना हमारा है। और यही चीजें हम आप सब मिलकर समझाना चाह रहे थे पूरे देश के लोगों को कि ये बिना मुस्लिम, बिना मुसलमान, बिना जैन धर्म, बिना बौद्ध धर्म के हिंदुत्व हो ही नहीं सकता है। हिंदुत्व की असली परिभाषा वही है कि वासुदेव कुटुम्बकम, सभी को साथ लेकर चलना ही हिंदुत्व है। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी के मुंह से वो सच्चाई निकल गई है जो हकीकत में हिंदुत्व कहलाती है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी शुरुआत है। और बाकी उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या अब आप हम जैसे लोगों को जैसे गाली देते, जब यही चीज़ हम कहते थे, आप मोहन भागवत को गाली देने की औकात रखते हैं? अब सवाल ये उठता है कि गुरु गोलवालकर तो जे कह गए कि मुसलमानों को यहाँ से भगाओ, और मोहन भागवत कहते कि जे तो हमारे भाई हैं। और हमें याद है कि 2-3 साल पहले ये भी बात निकली थी, दत्तात्रेय होसाबले जो है, जो जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के हैं, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। ये माजरा क्या है? क्या हिंदू जो है भारत में, इनको चूतिया बनाने का धंधा है, या अंध भक्तों को खाली इंजन राउज करके चीखा चिल्ली करवाने का? क्या चक्कर क्या है? जरा विनय भाई कुछ रोशनी डालेंगे आप? सर एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाला जो अगर कोई हिंदुत्व फॉलो करता है तो मुझे लगता है वो देश का सबसे बड़ा चूतिया है। क्योंकि हिंदुत्व की अलग ही बात है, अलग ही परिभाषा जो इन्होंने कल कही, वो हकीकत एक्चुअल हिंदुत्व है। और रही बात, ये हमेशा से रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ना सर, नरेंद्र मोदी जब से जीते हैं तो उन्होंने चूतियों को भक्त बनाया और भक्तों को चूतिया बनाया, तो यही चल ही रहा है लगभग। तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये मोहन भागवत जी ने तो इन विचारों के मुंह पे पेशाब कर दिया, अब इनका क्या होगा? अब भाई ये जो कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों इन्हीं की भाषा में जो इनका प्रिय फ्रेजोलॉजी है, हम पूछ लें, अंध भक्तों के लिए एक समाचार दे दीजिए, मैसेज दे दीजिए। अंध भक्तों को तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा तुम लोग जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखने के लिए लोग तरस जाएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे देश का माहौल बदल रहा है और तुम लोग चाहे जो हथकंडे अपना लो, जो चाहे कर लो, चाहे जितनी भी नफरत और आप दीवारें तोड़ लो, लेकिन अब तुमसे एक हट का बाल नहीं उखड़ने वाला है। क्योंकि हम दिन भर रात भर लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने इतना जागरूक कर दिया कि आज मोहन भागवत जी जागरूक हो गए, आपके RSS के प्रमुख जागरूक हो गए, तो सोचो तुम्हारे अंदर हम कितना घुस चुके हैं। शुभकामनाएं आपको आने वाले अग्रिम सारी हार और पराजय के लिए। तो विनय दुबे ये कहते हुए दिख रहे हैं, जो मैं अपने शब्दों में ढालूंगा, कई मैया कई रामानंद, भैया जल्दी घर को आजा, भाभी के निकला, गुड नाइट। हाँ जी, तो ये थे विनय दुबे और निशांत वर्मा सर। आशा करता हूँ आपको इन लोगों की विशेष टिप्पणियाँ पसंद आई होंगी। माफ़ी चाहता हूं दोनों की ओर से फॉर दी लैंग्वेज ऊपर नीचे ज़रूर हुई है, जो अच्छी बात नहीं है। विनय दुबे से तो अब आदत हो गई है ऐसी लैंग्वेज की, लेकिन निशांत वर्मा सर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन ठीक है, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, जैसा निशांत जी चाहें वैसा करें। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा भाइयों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको क्या कहना है इस विशेष टिप्पणी के बारे में? क्या आप लोग विनय भाई और निशांत वर्मा सर से सहमत हैं? नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। राज धर्म राजा के लिए, शासक के लिए, प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, हम भी वही कर रहे हैं साहब।